Okay, as I said, you will also maintain a page table. ये जो frame numbers है, these are nothing but frame numbers. 0, 1, 2. ये जो location numbers है, उसे हम paging के terms में, वो concept में frame numbers बोलते हैं. तो page table में आप page के सामने उसका frame number store करते हो. जैसे आप page 1 is stored at location 4, so page 1 is stored in frame number 4. तो ये जो page table है, वो हमें basically हर pages का या हर data का information देता है. नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन. नाउ सेगमेंटेशन क्या करता है, मेमोरी को अकॉर्डिंगली कौन से डेटा को कितना स्पेस चाहिए अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देता है. पेजिंग इज फिक्स्ड वेयर एज सेगमेंटेशन इज सिमिलर टू दैट, जस्ट दैट की सेगमेंटेशन थोड़ा वेरी हो सकता है, वेरिएबल पार्टीशन अलाउ करता है. दैट्स इट, नथिंग डिफरेंट. ये रहा मेमोरीज में सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है. जैसा पेज टेबल में अपने पास पेज नंबर और फ्रेम नंबर था, यानी कौन से लोकेशन पे स्टोर था, वो सेगमेंट में हम क्या करते हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक सब स्टोर करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी सेगमेंट जीरो, तो सेगमेंट जीरो यहाँ पे है, तो सेगमेंट जीरो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, 1400. सो बेस मतलब क्या कि सेगमेंट जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट इज 1400. लिमिट कहाँ तक है उसका, 2400. मतलब 2400 सेव नहीं करोगे, इट इज 1400 प्लस 1000 विल गिव यू 2400. सो वी से दैट द लिमिट फॉर द सेगमेंट इज 1000, यानी 1400 से स्टार्ट किया और उसके बाद एक्स्ट्रा क्या कहाँ तक गया उसका लेंथ, 1000 ब्लॉक्स तक गया. सो 1400 से स्टार्ट करके 1000 तक का लेंथ उसने पैक कर लिया है. सो दैट कम्स टू दिस एड्रेस. सो वी आर नॉट स्टोरिंग द एंडिंग एड्रेस, बट वी आर स्टोरिंग कि उसने टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना लिया. सो सेगमेंट जीरो ने टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स लिया 1000 और उसने स्टार्ट कहाँ से किया है, 1400 से. सो विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि अगर 1400 से स्टार्ट किया है तो 1400 से 1000 ब्लॉक्स कम्स टू 2400. सो ये ऐसे इस फॉर्म में स्टोर किया है. फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट वन. नाउ सेगमेंट वन हैज स्टार्टेड फ्रॉम 6300, बट उसका लेंथ कितना स्पैन हो रहा है, 400 ब्लॉक्स तक. तो 6300 से स्टार्ट करके उसने 400 ब्लॉक्स और या 400 बाइट्स का और मेमोरी उसने स्टोर कर लिया है. आई एम जस्ट टीचिंग फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज वर्चुअल मेमोरी. ओके, नेक्स्ट इज वर्चुअल मेमोरी. अ वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक विच अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस दैट मे नॉट बी कंप्लीटली इन द मेमोरी. सम पार्ट ऑफ इट कैन बी ऑन द डिस्क. द मेन एडवांटेज ऑफ दिस इज दैट द यूजर प्रोग्रामर्स कैन बी लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड इट डिक्रीजेस द परफॉर्मेंस. दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई पेजिंग, सेगमेंटेशन और कंबाइंड स्कीम्स. अब वर्चुअल मेमोरी हम यूज क्यों करते हैं. काफी बार ऐसा होता है कि जो सिस्टम्स का जो मेमोरी है उसके कंपैरिजन में डेटा इज वेरी वास्ट, तो फिजिकल मेमोरी जो सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल होता है वो बहुत कम पड़ जाता है. तो हम क्या करते हैं, यूजर को एक ऐसा पिक्चर देते हैं कि अपने पास वर्चुअल मेमोरी है, यानी बहुत बड़ा मेमोरी है, वेयर दैट डेटा ऑफ द यूजर बी डिवाइडेड. एंड हम क्या करते हैं कि आधा डेटा हम फिजिकल मेमोरी में स्टोर करते हैं और उसको वहां से रन करते हैं, कुछ डेटा हम सीपीयू रजिस्टर्स में, कुछ डेटा हम डिस्क पे स्टोर करेंगे. वी डिवाइड द डेटा, वी स्कैटर इट अलॉन्ग, वी स्टोर इट एंड देन वी एग्जीक्यूट इट. बट एज अ यूजर आई ओनली अंडरस्टैंड कि हाँ मैंने सिस्टम में डेटा डाला है एंड द सिस्टम इज प्रोवाइडिंग मी द रिजल्ट. फिर वो इंटरनली कैसे भी काम करे. सो यूजर को क्या लगता है कि अपने पास बहुत ज्यादा मेमोरी है, मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड, एक इमेजिनरी मेमोरी क्रिएट करता है, इसके लिए उसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं. और ये जो वर्चुअल मेमोरी है, इवन दो इट इज अ गुड थिंग, एडवांटेज उसका ये है, जैसे मैंने बोला था कि अगर डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, स्टिल इट इज पॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू एग्जीक्यूट इट. बट द डिसएडवांटेज इज दैट कि उससे परफॉर्मेंस हैम्पर होता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट कोऑर्डिनेशन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स. सो ये इम्प्लीमेंट होता है यूजिंग सेगमेंटेशन एंड पेजिंग और से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. A program is divided into pages and some pages are loaded in memory while rest of it is on the disk. Wherever they are required, they are loaded in the memory. Yani ye jo programs hai wo pages mein divided hota hai aur wo ek disk pe store hota hai. To jab bhi unki zarurat hoti hai tab wo memory mein laake rakhte hain. Unka usage hone ke baad wo wapas disk mein store hote hain. To kuch terms hai which we should know about virtual memory. First is locality of reference. लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मतलब पता होना चाहिए कि कौन सा पेज कहाँ पे है, सो दैट व्हेन इन नीड हम उसी जगह पे जाके, यानी कौन से मेमोरी में है, कैश मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी में है, प्राइमरी मेमोरी में है. सो व्हेन एवर दैट पेज इज रेफर्ड वी शुड नो इट्स लोकेशन एंड वी शुड गेट दैट पेज फॉर एग्जीक्यूशन.
नेक्स्ट इज पेज फॉल्ट. पेज फॉल्ट मतलब इफ यू आर फाइंडिंग सम काइंड ऑफ पेज ओवर हियर. फॉर एग्जांपल अभी देखो आप, लेट अस कम टू दिस एग्जांपल. ओके, दीज आर द फोर पेजेस अवेलेबल. आई एम लुकिंग फॉर पेज नंबर वन. सो ये पेज नंबर वन मेमोरी में प्रेजेंट है और मुझे मिल गया, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं पेज हिट. पेज हिट होना मतलब वी आर फाइंडिंग फॉर अ पेज एंड दैट इज अवेलेबल इन द मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज पेज हिट. वेयर एज पेज फॉल्ट इज देर इज सम पेज और देर इज सम डेटा विच यू आर फाइंडिंग इन द मेमोरी एंड इट इज नॉट अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल पेज सेवन ले लो. अभी पेज सेवन आई नीड इट, वहां पे जो डेटा है वो मुझे चाहिए, बट राइट नाउ पेज सेवन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर मेमोरी. सो दैट इज कॉल्ड एज पेज फॉल्ट, कि आप कोई पेज ढूंढ रहे हो और वो मेमोरी में फिलहाल अवेलेबल नहीं है. सो दैट इज, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज पेज फॉल्ट. वर्किंग सेट. वर्किंग सेट मतलब एक ऐसा सेट ऑफ पेजेस विच आर एक्टिवली रेफर्ड, यानी जो बार बार रेफरिंग के काम आता है, जो हमेशा चाहिए ही रहता है, उसे हम वर्किंग सेट बोलते हैं. देन वी हैव पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. नाउ एज आई सेड कि अपना जो बफर होता है, फ्रेम बफर, वो हार्डली तीन या चार ब्लॉक्स का होता है. सो एट अ टाइम थ्री और फोर पेजेस कैन स्टे इन इट, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर ओनली टेक, ये रहा सपोज ये अपना फ्रेम बफर है. एट अ टाइम कितना ब्लॉक्स है? चार ब्लॉक्स. सो एट अ टाइम ओनली फोर पेजेस कैन बी स्टोर. नाउ लेट अस से दैट मैंने पेज सेवन मांगा है और वो कहीं पे मेमोरी में अवेलेबल है, बट वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो वॉट आई डू, आई हैव टू शिफ्ट दैट फ्रॉम फिजिकल मेमोरी टू लॉजिकल मेमोरी, करेक्ट. यानी कैश मेमोरी में मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा मेन मेमोरी से. सो वो पेज सेवन यहाँ पे तभी आ पाएगा जब इसमें से कोई एक पेज यहाँ पे नहीं होगा. तो इसमें से कौन सा पेज नहीं चाहिए वो डिसाइड होता है पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज से. अपने पास तीन पॉलिसीज होते हैं, फीफो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकेंड इज LRU दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एंड सेकेंड थर्ड इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. तो ये तीनों के अपने अपने टेक्निक्स है, जो एप्लीकेशंस के नीड के हिसाब से विल सी विच टेक्निक्स टू बी इम्प्लीमेंटेड. सो बेस्ड ऑन द टेक्निक इम्प्लीमेंटेड, इसमें से कोई एक पेज जो है वो हम वापस निकाल के मेन मेमोरी में डाल देंगे और उसके जगह पे, यानी उस लोकेशन पे हम पेज सेवन डाल देंगे. फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर टेक्निक वी इम्प्लीमेंट, वी कम टू नो दैट पेज टू इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, और से इट इज वेरी लीस्ट रिक्वायर्ड. सो विल मूव दैट पेज टू आउट एंड विल शिफ्ट दैट टू मेन मेमोरी एंड विल मेक श्योर दैट पेज सेवन इज रिप्लेस्ड by page 2, यानी page 2 के जगह पे अभी page 7 होगा. So that is all about page replacement policies. Next is dirty page or dirty bit. Now dirty page or dirty bit is that concept where you know that कि एक data जिसको आप refer कर रहे हो वो available है, but वो किसी ने change कर दिया है. यानी ये देखो, page 2 यहाँ पे भी available है, page 2 यहाँ पे भी available है. You are accessing this page 2, whereas I have made some changes in this page too over here. तो जो changes यहाँ पे हुआ है वो changes यहाँ पे reflect होने ही चाहिए. अगर ऐसा हुआ कि changes मैंने, suppose यहाँ पे a plus b equals to 4 है और वही यहाँ पे store किया कि a plus b equals to 4, but suddenly I make it as a plus b plus c, so it is a plus b plus c, यानी 4 plus 2 plus 6, यानी इसका data somehow 4 से अभी 6 हो गया है, but it is reflecting over here as 4 only for you, then this page is called as dirty page, or say this is called as dirty bit, because iska jo main page tha ya original data tha usme changes hua hai, but jahan pe uska copy hai, duplicated data hai, usme wo changes reflect nahi hua hai, use hum dirty bit kehte hain. ki modifications hua hai but dusre copied duplicacy mein wo reflected nahi hai, so that page is called as dirty page. नेक्स्ट इज डिमांड पेजिंग. डिमांड पेजिंग इज अ कंसेप्ट वेयर जब एग्जीक्यूशन होता है और जब जो पेज चाहिए रहता है तब हम उसका डिमांड करते हैं. हम पहले से ही मेमोरी में स्टोर नहीं करते, बट वाइल एग्जीक्यूशन इफ आई से दैट आई नीड पेज सेवन, देन ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दैट पेज सेवन इज ब्रॉट. अगेन वाइल एग्जीक्यूटिंग आई नो दैट आई नीड पेज टेन, देन अगेन फॉर एग्जीक्यूशन दैट पेज टेन इज ब्रॉट. और उनका काम खत्म होने के बाद वो वापस मेन मेमोरी में जाएंगे, कैश मेमोरी में या कहीं भी लोकल मेमोरी में हम वापस उसको स्टोर नहीं करेंगे. सो डिमांड पेजिंग का मतलब है अ पेज इज ब्रॉट इनटू द मेमोरी ओनली व्हेन द सीपीयू इज नीडेड और से इट इज डिमांडिंग फॉर दैट पेज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट. आई होप थिंग्स आर क्लियर बाय नाउ. प्लीज रीड इट केयरफुली वन बाय वन, क्योंकि if you read it, you will understand it. It is that simple. Those conceptually necessary tha that I have already explained. Still, if any doubts, please let me know.